आज मैं आपको मियानी लगाना बताऊंगी। बहुत बार ऐसा होता है कि रेडीमेड कपड़ा लेते हैं या फिर खुद की सिलाई की हुई कपड़ा होती है, तो उसमें ऐसा होता है कि या फिर यहाँ हिप्स पे टाइट हो जाता है या आसन लंबी हो जाती है, तो वैसे स्थिति में हम उसमें मियानी लगा करके उसको बहुत हद तक ठीक कर सकते हैं। तो ये मियानी मैं कैसे लगाऊंगी ये मैं आपको आज बताने जा रही हूँ। पहले तो आपको ये सिलाई उखाड़ना पड़ेगा, इसको उधेड़ना पड़ेगा सिलाई को। तो सिलाई को उधेड़ने के लिए कम से कम 8 इंच सिलाई खोलना पड़ेगा। यहाँ तक आपको यहाँ तक सिलाई खोलना पड़ेगा, ये सीधी साइड से दोनों तरफ से, और फिर इस साइड से भी आपको 5-5 इंच, इस साइड से भी 5-5 इंच, यहाँ यहाँ से इस तरह और यहाँ से इस तरह 5-5 इंच इस साइड से भी सिलाई खोलना पड़ेगा। ये सारे सिलाई को खोल के अलग करना पड़ेगा दोनों साइड से, पीछे और आगे दोनों साइड से। मियानी काटने का तरीका बता देती हूँ कि कैसे आप मियानी काटिएगा। इस तरह से चरकुटा कपड़ा लेना पड़ेगा आपको, चौकोर कपड़ा लेना पड़ेगा, उसे इस साइड से ऐसे करके ऐसे फोल्ड करने के बाद इसको यहाँ से यहाँ कर दीजिए, ऐसे कर दीजिए, और फिर इसमें निशान गोलाई कर दीजिए। तो इस तरह से मैं निशान लगा के बता दे रही हूँ। बस इसे काट देना है। ये कट गया, दोनों साइड के हो गए, आगे पीछे दोनों साइड से हो गए। ये इसे मैं दो भाग में कर दे रही हूँ, दो पार्ट में इसे कर दिया मैंने ऐसे करके। इस तरह से दो पार्ट में हो गया, गोलाई कर दे रही हूँ। अच्छा से गोलाई कर दिया मैंने इसमें। यहाँ एक साइड से ऐसे एक पार्ट लगेगा और एक पार्ट उधर लगेगा। आपको जितना ढीला करना है उतना ये कपड़ा ज्यादा लीजिएगा, अगर कम ढीला करना है तो इसे छोटा ले सकते हैं। ये टाइट थोड़ा कम कर दीजिएगा तो ये छोटा हो जाएगा, तो छोटा मियानी भी लगा सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा टाइट है और ज़्यादा ढीला करना है तो ये बड़ा सा लेना काटना पड़ेगा। इस तरह से मैंने सिलाई इधर उधेड़ दिया है, इधर आगे और बैक साइड का भी सिलाई, इसमें भी मैंने पीछे से भी उधेड़ दिया है। यहाँ आसन के साइड से मैं इसको ज्वाइंट करूंगी, तो एक पार्ट को मैंने ले लिया और इधर एक साइड से आसन के पार्ट को ले लिया है। अब इसको ऐसे यहाँ से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक इसको सिलाई कर देना है। इसे मैं सिल दे रही हूँ, इस साइड से हो गया, इस साइड से सिलना है, तो उसी तरह इधर से भी सिला जाएगा ऐसे पकड़ के। यहाँ ये सारा ऐसे करके सिला के और यहाँ तक ऊपर तक हो जाएगा, तो इसे मैं सिल दे रही हूँ। इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर लिया दोनों तरफ। बैक पार्ट में भी मुझे उसी तरह जैसे आगे मैंने किया है वैसे ही इधर भी करना है। इसको भी यहाँ से मैं यहाँ से ऐसे करके इसे यहाँ से ऐसे करके ऐसे यहाँ तक इसे ऐसे करके इसे ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से मैंने ज्वाइंट कर दिया है इस दोनों पार्ट में। अब हमें नीचे से इसको ज्वाइंट कर देना है। ये नीचे के पार्ट में ये जो पैर है इसी से ऐसे गोलाई में इसको ज्वाइंट कर देना है। इस तरह से मैंने मियानी लगा दिया है इसमें। ये मियानी लगाने से ये हिप्स भी ढीला हो गए, आसन लटके हुए थे तो आसन भी थोड़ा शॉर्ट हो गया,